ना उछाल ना उछाल घर है देखी वो है ना औरत। अब देखा है सासू माँ को कौन सा पसंद आ रहा है, बस देखे जा रहे हैं कोई पसंद आई थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों रूबी को भी आ रही नींद और माँ चले गए हैं खेत में कुछ तोड़ने के लिए, तो साथ ही जाते तो अच्छा रहता ना। चलिए मम्मी को इनको हेल्प करना चाहिए तो शिक्षा मिलने से फायदा नहीं होगा। नहीं तो मम्मी अकेले हमको क्या पता कैसे क्या कर रहा, थोड़ा सा साथ हेल्प कर दिए तो ठीक रहेगा। बता दीजिए ना माँ को, हम क्या बताएंगे। नहीं बारिश नहीं गिरा है। दोस्तों आज जो है ना रूबी सालों बाद बनाने वाले हैं चटनी, वो भी तोरई के पत्ते का, और बहुत स्वाद लगता है। आप सभी को भी खिलाएंगे। मम्मी तोरई का चटनी बना, मम्मी तोरई का चटनी बना मम्मी दाल पर। हाँ वो चटनी पता रहने मन कर रहा। अपने भी रूखा सूखा खाना खाएंगे और माँ को भी वही खिलाएंगे। ऐसा नहीं है, माँ को बोले माँ आप जो बनाए खाना है खाइए जी, कहे आप मेरे को बेइज्जती करते हैं। तोरई तोड़ रहे हैं तब का, तो तोरई का पत्ता ही तोड़ना है दाल पर। दाल पर ओ भाई इतनी गति सुन बोले दाल पर। अभी इतने सारे सब्जी भी तो बना हुआ है घरे, इसमें कितना क्या बनेगा। देखिए हम छोटे छोटे तोड़ रही हूँ। अच्छा इसका बहुत स्वाद लगेगा ना चटनी। वो तो सब ठीक ही है लेकिन आप अपना भी तोड़ लीजिए, पक रहा है खराब हो जाएगा आपका। हाँ पपीता तोड़ रहे हैं बाबा, पक्का है हमको पता है। तो ये माँ जो है ना यहाँ पर घुस गए हैं जंगल में, जो हमारा छोटा सा जंगल है, और बस सरो भी देख रहे हैं कहने का का रोपा बोया हुआ है, और ऐसे अपने बगीचे को निहार रहे हैं कैसे बनाए हम लोग। मम्मी का घर है तो फिर जहाँ मन तहाँ मम्मी जाए, हमें जितना संग्रह करना था की, और मम्मी अब धीरे धीरे और संग्रह कर रहे हैं। तो आइए तो जंगल में अभी घुसते हैं बड़ी दिन के बाद। बाहर है मम्मी पता ना, बाहर हवा नहीं पता, बाहर ही नहीं होगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा रवि। हाँ, कोई फायदा नहीं है, और नीचे ना भूआ बहुत लग रहा है, तो देख के कौन पक पपीतो ना। हाँ पकल है वो, तोड़ देती है मम्मी, तोड़ देगी मम्मी आपसे बड़ी है। हम तोड़ देती है, कल नहीं दिखा इनको, नहीं उधर से बाहर से वो टूटेगा, अंदर से नहीं टूटेगा। टूट जाएगा, माई तोड़ लिए। ये देखिए माँ तोड़ ली। ये देखिए पपीता खा जुगतना हमने ना, खराब हो गई। रुके रुके अंदर अच्छा रहता है, डबल डबल है ना। हाँ देखिए गोल गोल कर वो तो अच्छा नहीं है। नहीं देखते हैं काट के अच्छा रहता है। कोई कोई कच्चा वाला तोड़ देगा ना, कच्चा ठीक ना लगता ऐसा कैसे हो गया। तो ना कहीं मिले ना, एक और है पपीता तोड़ लीजिए ना, उसको है तो पकल है। क्या हुआ किसी लग रहा है लूटी लूटी दवा लाते हैं का मिलता है। अभी वो दवा देना जरूरी है ना, भुआ का दवा पूरा तबाह किया है घर में। अब सब्जी निकल गया है तो माँ बड़ी सब्जी बना दे रहे हैं। बोधी बहुत दिनों बाद थोड़ा सा मिला है ना, तो बोधी हमारा खत्म हो गया था। इतना लग रहा है लूटी का कोई उपाय नहीं मिल रहा है। अच्छा, दवा दे रहा है। पपीता मिला है, अरे पपीता का फेंके नहीं उठा पपीता। ये रहा पपीता, अभी तोड़े हुए हैं जस्ट। यहाँ पर नेनुआ कट होने लगा, अभी तो कतो चटनी खाने का मन था, खटाई नहीं था, खटाई जाना जरूरी उसमें। एकदम पशु माई आते हैं तभी उद्घाटन होता है ना, तो कोई यूज नहीं करता इसका। एक कच कच के तो काट देते हैं, हम कटता नहीं है। हम पशु से डर लगता है, पहले हम पशु से ही काटते थे। कटवाही तब खान होता वो पशु लिया तो बतक बोते रहता। एकदम वही है माँ, कहाँ नेनुआ है और कहाँ क्या है, ठास ठास के एकदम बराबर कर दिए, चटनी जैसा बना दिए। और यहाँ पर हमारे साहब का चल रहा है खाना,
माई ना एकदम ठास ठा के चटनी से बना देती, लगते न कि तोरे की सब्जी है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है कहाँ क्या है। हाँ, दोस्तों फाइनली हम लोग तैयार हो गए हैं और आज हम जाने वाले सासू माँ को लेकर मॉल घूमने के लिए। और रूबी का फरमाइश पता नहीं क्या क्या है, कुछ तो जरूर होगा जो मेरा कुछ भी फरमाइश नहीं है। क्यों? बस आप जाइए मम्मी को घुमा दीजिए कि मम्मी हमारे जो प्लामू एरिया में वहाँ पे बहुत कम मॉल है, तो माँ उतना घूमी नहीं है। अब जैसे कि मम्मी आई हुई है और मम्मी पास का टाइम रहता है नहीं, तो बस हम बोले कि मम्मी को थोड़ा घुमा हुआ दीजिए। तो कुछ लेना भी है, खाली घूम के आना है। नहीं, बाबू का स्लीपर जो चोरी हो गया था वैसे ही स्लीपर हम ले दीजिए, और मम्मी को जो पसंद होगा माँ के लिए ले दीजिएगा। अब देखते हैं इनको क्या पसंद आता है। ये तो हम लोग को नहीं पता है, यही जानेंगे मॉल में जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या इनको पसंद है। और आपको भी कुछ चाहिए क्या? नहीं कुछ नहीं, मेरे पास सारा चीज है। बस माई को है तो यहाँ पर सामान सब कुछ है, भर गया। और हम रहते हैं तो दोस्तों घट ले जाता है, ये लेना वो लेना है, तो क्या कीजिएगा। माँ माँ होती है और हस्बैंड कंजूस होते हैं। इतना बेइज्जती? नहीं नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। ओ, ऐसा भी तो आप कुछ कमाते धमाते नहीं है दोस्तों, आप लोग जैसे बोलते हैं। कौन बोलता है, उसका हम कान खींच लेंगे। तो क्या फायदा कान खींच के, फिर सही रह जाएगा। और हमारे डुगू साहब ना बिल्कुल वेट कर रहे हैं बाहर में जाकर, कब इन लोग आएंगे कि हम जाएंगे। चप्पल बस नहीं पहने हैं, आपका चप्पल कहाँ है? चप्पल कहाँ है, बोल रहे हैं। चप्पल फेंकी है, चोरी हो गया है। दोस्तों नया चप्पल था, बिल्कुल बहुत ही मस्त था, तुरंत ही सूख जाता था, पानी गिरता था भीगता था तुरंत सूख जाता था। अब वो चप्पल फिर से खरीदना पड़ा, बड़ी महंगा चप्पल था वो। अब ऐसा फिर चप्पल कोई फायदा नहीं पहना के, स्लीपर चप्पल लेना है। हाँ आता है, बड़ी सुंदर डिजाइन है यहाँ पे से। और ले दीजिएगा बाबू के लिए चड्डी, ले दीजिएगा। हाँ, हाँ, नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो चेहरा लगाना पड़ता है, डर लगता है। मिलेगा तब ना वहाँ पे, मिल जाएगा, कोशिश कीजिएगा। नहीं मिलेगा तो फिर ऑनलाइन मंगाएंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए मॉल में, डूब से अपना गोदी में आ गए हैं, तो पहले इनका चप्पल ही वो देख लेते हैं। तो चप्पल तो भुला दिए, आ जा डूब चला देखते हैं चप्पल, आ जा यहाँ मिलेगा तब ना। देखे तुम्हारी है का, वो अच्छा लगा है ना, ये चप्पल बढ़िया ना, ये तो सब जूता है। इधर चप्पल है यहाँ पे, लेकिन ऐसा को चप्पल तो पहनता नहीं डुगो, वो तो ये देखिए इधर है, लेकिन सब ये तो पहनता नहीं है, ये तो है ये चप्पल इसके पास ना उठा ना उठा घर है। वो जो चप्पल पहन का लिया था उस टाइप, वो चप्पल दिखे नहीं रहा यहाँ पे, यहाँ नहीं लगता मिलेगा वो, ऊपर भी नहीं है ना, वो होना है छोड़ी नहीं है यहाँ पर, दूसरा जगह दुकान देख लेंगे इसको ना, उसको है चप्पल, इसको छोड़िए। हाँ चप्पल है, ये नहीं पहनेगा, वो वाला चप्पल जो खड़े था ना हरिया वाला, वो नहीं है चप्पल, चलिए उधर देखते दूसरा कुछ ना। ये सब रूबी के लिए तो सही ना चप्पल, अरे अरे ऐसे खसका है जी। तो आगे थर्ड फ्लोर पर जहाँ पर सिर्फ स्पेशल बेबी लोग के लिए कपड़ा है, यहाँ पर देखते हैं शायद इनको मिल जाए कुछ। इसके बाद इधर आइए, और इधर है ये, इधर और भी है, इधर ढेर सारा मिलेगा, एक बार देखिए एक बार। हाँ वो ले है, तो ना इधर देखो क्या ले रहे हैं इधर आधा, तो इधर मिल रहा है शैडो गंजी। और देखिए बाबू को बन रहा है, देखिए वो है ना, और होते ही निकाली है, ये तो ठंडा के दिन खाती है ये वाला, ना ये हो ना 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 ये टोपी वाला देखिए, पर 4 साल का खोजना पड़ेगा तब मिलेगा।
सब बढ़िया रहा है ये सब में, सब ये सब में मौला में जो कुछ मिलेगा ना हम मांग लेकिन बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए 4 साल का बच्चा का मिला है वो तो बाबू का भी तो 3 साल भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी सही है, थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए छोटा नहीं होना चाहिए, उनको सोचने में बढ़िया लगता है जिनका ढाई मन लगा है। हाँ चिकन का है ना इसीलिए इधर ये पसंद आया इधर लिए हुए हैं। अब देखते हैं नीचे मम्मी के लिए, मम्मी को पता नहीं क्या पसंद आएगा, चलिए आपके लिए देखते हैं नीचे। अब देखा है सासू माँ को कौन सा पसंद आ रहा है, बस देखे जा रहे हैं। और इधर दूर से आपको बैठा दिए मोबाइल देकर हम, कोई पसंद आई थी ना निकलवाए बोल के एक बार देख लीजिए, मान लीजिए कोई पसंद आ जाए तो अच्छा ना है। मम्मी को यहाँ पर पसंद ही नहीं आ रहा, बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करते पूरा जाम लगा हुआ है, थोड़ा देर में आ गया सब मम्मी को है ना। इसका अचार लगेगा कि खाएं ऐसे ही सब्जी? अचार लगे। दोस्तों हम लोग बिल्कुल सही समय पे आ गए और पानी देखिए टपक रहा है लेकिन हम लोग बच के भीगे नहीं, थोड़ा सा समय पे पहुंचे हैं ना, तो लेट अगर हो जाता तो हम लोग पूरा भीग जाते, हल्का सा कपड़ा गीला हुआ। क्यों आप लोग भीग जाते काहे? हम नहीं गए थे दोस्तों, बताइए जिसकी माँ भेजा उसको मजा आया तो फिर नहीं मजाक इतना मजाक नहीं कर सकते, काहे काहे करेंगे इतना मजाक, मम्मी से नहीं आते तो कर ही सकते हैं। अच्छा हाँ और क्या अकेला है जो भी देखिए क्या है ये, बहुत अभी से मन करता खाने के लिए ये आंवला आमड़ा। अच्छा आमड़ा आमड़ा बड़ा चौखा लगा अच्छा खट्टा खट्टा, इतना मन कर रहा है खाने का अभी, सब भुजिया ही मिल जाए तो भी खा लेंगे। तो चलिए मम्मी मेरे सेहत का ख्याल रखते हुए इतना सारा आमड़ा लेकर आए, ये आमड़ा अचार के लिए लिए हैं तो खाएंगे तो हम ही ना, पता है आप ही नहीं सबको खाएगा मेरा कहना है, अगर मम्मी लाए तो खाई भी ना करेगी। रात को सुबह इतना हो गई थी, हां पानी रहता है हमारी से, इसका चटनी बड़ी स्वाद लगता है, स्वाद लगता है, अच्छा लगता है, ऐसा भुजिया स्वाद लगनी चाहिए जब खाने, दीदी तो बहुत भुजिया बनाती है चाहे भी हम डंडा निकालते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये आपके लिए है मेरे लिए है तो मेरा बेबी बॉम पूरा दिखेगा हम पहनेंगे तो इसीलिए ले लिया ना ये, ठीक है, मतलब शादी होने के 4 साल बाद ये खुद से अपने लिए टी शर्ट लिए हैं, मुझे बहुत खुशी हुआ, मम्मी का पसंद था मेरा नहीं। हाँ तो वही बोल रहे हैं, हम आ गए तो मतलब आप ले भी देते कहाँ है, बड़ा सुंदर है ना माँ, एक झलक में पसंद आ गया, सब अच्छा अच्छा है बेटी जी, देखिए मम्मी को चलता लग रहा है, मॉल का हवा लग रहा है, सब सूती सूती बेटी, साड़ी नहीं पसंद पड़ा था, मम्मी ने साड़ी पसंद नहीं पड़ा जी, कोई नहीं बहुत सारा दुकान है, मम्मी को फिर कहीं घुमा देंगे। बाबू के है कच्चा है, बाबू आप काहे बता दी, मैं हमको पूछना था ना काहे से नहीं बताना था आपको, मेरे लिए कुछ नहीं लाए हैं, तेरा खा रहा बराबर हाथी के कान भर के हाथी के कान भर हाथी के कान खा रहा है को मम्मी आई है ना, मम्मी हंसाई जा रही है, हंसाई जा रही और हंसते हंसते मेरी तबीयत भी आधा ठीक हो जाए, चाटा बड़ा के रोटी आए ना छोला आज आपको तो खाने छोला भटूरा छोला भटूरा के मई कल आज कोई बात हम बाहर खाने वाले के लिए मिला है, बात इनको लाकर दे दे रहे थे और आप भी कमेंट में दी बाहर निकाल लिए कहां है कहां रखे जी, ये कान चपड़ा हाथी का कान, हाथी कान है मम्मी अरे तू रुपया के नहीं फुला देगी तो बस अब इतना ही शॉपिंग किए, हां इतना सामान था सब मोर में था, मुझे मॉल में बहुत सारा सामान था लेकिन मम्मी को जैसे लगा मॉल का सब्जी सूती सूती था लेकिन मम्मी साड़ी रुबी ना मम्मी को बिगाड़ देंगे दोस्तों, हमें जल्दी मॉल मिलता नहीं है और इनको घूमने का आदत लगेगा तो हम जाए कहेंगे अपना पुता हुआ चल लगे चल मॉल से घूम के आ गई, ऐसा बात नहीं ना भैया ले आएंगे लालगंज क्या लगता भैया का, नहीं मतलब बोल रहे हैं तो दूर पड़ेगा ना ज्यादा, भैया के मॉल आर पूछ रहा था, यहाँ के आप पूछ रहे थे कुछ रहता है, यहाँ
वहाँ तो देखा है तो पलन पलन रहता है मोर की रहता है। चलिए खुशी इस बात का है कि दामाद जी सासू माँ को लेके चले गए घुमाने के लिए। बस अब तो आज यही था हमारा छोटा मोटा मॉल से शॉपिंग। सोचे थे कि आज इनको घुमाएंगे कुछ खरीदवाएंगे लेकिन कुछ मिला नहीं। और बस कोई बात नहीं, मम्मी मॉल देख ली ना, रांची का मॉल है। मम्मी इतना गए थे, मम्मी को मॉल लेके नहीं गए थे हम लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं ब्लॉग पसंद आया होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।